गणतंत्र दिवस के पूर्व तिरंगा झंडा बेच रहे बच्चों के बीच पहुंचे दुर्ग निगम महापौर ने झंडा खरीदकर बच्चों का बढ़ाया उत्साह। गणतंत्र दिवस के पूर्व मंगलवार को बाजारों व शहर के चौक चौराहों पर तिरंगे झंडे की दुकानें लगी रही, जिसके चलते कुछ बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर गांधी पुतला चौक पर तिरंगा बेचते नजर आए। जहां से गुजर रहे दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने बच्चों के हाथों में तिरंगा देख गाड़ी से उतरकर बच्चों से चर्चा की और तिरंगे झंडे का महत्व बताया और उनके देशभक्ति पूर्वक बातों से प्रभावित होकर बच्चों के सारे तिरंगे झंडे खरीदकर उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं है, बल्कि हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है, जिसके प्रति बच्चों के जवाब और देशभक्ति के प्रति उनके जज्बे को लेकर उन्होंने बच्चों से झंडा खरीदा और उनके देश प्रेम के चलते उन्हें प्रोत्साहित किया। महापौर ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। यहाँ ऑफिस से जा रहा था, देखा हमारे बच्चे लोग कल 26 जनवरी है, झंडे पे खड़े थे, अच्छा लगा। पूरे झंडे को मैं ले लेता हूँ। देशभक्ति का जो जज्बा हमारे बच्चों में दिख रहा था, उसे बहुत अच्छा लगा। देश के भविष्य ये बच्चे हमारी आन बान और शान है, और ये झंडे के महत्व को जो बच्चे समझ रहे हैं, हम सबको भी समझना। और हमारे देश में क्या है, स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त और 26 जनवरी, उसको धूमधाम से मनाना चाहिए। हमारे देश के सबसे बड़े त्यौहार है, क्योंकि आज जो हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं, याद हुआ और जब हमारा ये संविधान लिखा गया कि 26 जनवरी 1950, तो इन बच्चों को देख के मैंने झंडे को जाते जाते मुझे अच्छा लगा, तो मैं झंडे को उनसे लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।